गुड मॉर्निंग गाइस, आज अपना गोवा में लास्ट डे है, तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं घर के लिए। तो जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रही हूँ ये सेबेस्टियन होम स्टे है, तो अगर आप यहाँ आएँ तो इनका गूगल मैप पे भी है, तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे पैकेजेस तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि सीज़न वाइज होते हैं, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गूगल पे सर्च कर लें, अदरवाइज़ मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी क्लीन है, मेरे हस्बैंड बार बार यहाँ आते रहते हैं, तो हमने सोचा इस बार होम स्टे ट्राई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप भी ट्राई करें ज़रूर। चौदह घंटे का सफ़र कंप्लीट करके फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। काफ़ी ट्रैफिक था, सुबह 8 बजे निकले थे, रात को 10:30 बजे पहुँचे, बहुत ही हेक्टिक रहा क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था, ऊपर से ट्रैफिक था, पूरी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इतना तो बनता था। 3 to 4 स्टॉप लिए हमने, हर 100 किलोमीटर पर एक स्टॉप लिया हमने, चाय लंच सब अच्छे से किया, इतना हेक्टिक नहीं होता है, लेकिन रास्ता और ट्रैफिक की वजह से हो गया था, चलता है। यार बीच में तो ऐसा भी मौका आया था ऐसा कि मैंने तो बोला यार मुझे बाइक पे नहीं बैठना है, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं करते हैं, मैं कैब करके बुक करके चले जाती हूँ, बट कर लिया यार, कर लिया। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो, तो एक ट्राई देना ज़रूरी है। मैंने किया ट्राई, जो मुझे भी पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने किया और मैं सक्सेसफुल हुई,
तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें, ऐसे ही गिव अप ना कर दें। यहाँ तक देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखिए अपनों को।